नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाथरूम में 2x2 की टाइल फ्लोरिंग में केमिकल के साथ कैसे सेट करते हैं। तो इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा जरूर दबा दीजिए, क्योंकि दोस्तों आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आज तक जल्द ही पहुँच सके। तो सबसे पहले हमने बाथरूम में मांजन है, जो मसाले का मांजन है सीमेंट बजरी का, वो बिछा रखा है, क्योंकि दोस्तों केमिकल में लगाने के लिए हमने सबसे पहले इसको पट्टी के साथ रेवल में इसको सीधा करना पड़ता है, क्योंकि इसके बिना हमें केमिकल टाइल नहीं लग पाती है। इसलिए हमने सबसे पहले इसका मसाले या सीमेंट का केमिकल मिक्स कर लिया है। दो हमारे पास दो बटली है, इसके साथ हम दोनों को मिक्स कर रहे हैं। दोनों को मिक्स करने के बाद में हम इन टाइलों को ग्रुप देके लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों हमारी जो टाइल है केमिकल में लगाते हैं तो बीच में ग्रुप नहीं देने के कारण बीच में हवा रह जाती है, इसलिए टाइल हमारी खाली भी हो सकती है, इसलिए हमने ग्रुप देना ठीक समझा। दोस्तों ये हमारे जो केमिकल है वो तैयार हो चुका है। इसको हम कंघे की सहायता से केमिकल को फर्श पर बिछाएंगे, क्योंकि दोस्तों हमारी जो केमिकल है वो करनी से लगाने से दिक्कत आती है और पूरा सीधा नहीं हो पाता है। इसलिए हमने जो हमारा वो बनाया हुआ है कंघा, जो इसको बोलते हैं ग्रुप देके लगाने, ये कंघा है हमारा। तो केमिकल इसके सहायता से पूरे साइज के साथ हमने जो चाहिए वो केमिकल हर फर्श में पूरी तरह से बराबर आएगा, क्योंकि दोस्तों हमारी जो करने के साथ हम केमिकल मिक्स करते हैं इसको मिलाते हैं तो ये पूरी तरह नहीं लग पाता है। इसलिए हमने इसकी सहायता से केमिकल को बिछाया है और बिछाने के बाद हम इस पर टाइल ग्रुप देके लगाएंगे, जिससे हमारा जो केमिकल है वो एक्स्ट्रा केमिकल है वो उसकी सहायता से बाहर आ जाता है, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा केमिकल हो पाने के कारण हमारी जो टाइल है वो पूरी सेट नहीं हो पाती है। इसलिए हमने सबसे पहले इसको पूरी तरह केमिकल बिछा रहे हैं, बिछाने के बाद में एक टाइल की सहायता से पूरे बाथरूम में तो सभी टाइल रेवलिंग में हो जाएगी। तो ये था वीडियो केमिकल में 2x2 की टाइल कैसे सेट करते हैं। तो वीडियो आपको, मुझे पता है कि आपको हेल्प मिली हो इस वीडियो को देख के। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।